एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। आज मैं व्लॉग ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि और कुछ चारा भी नहीं था। सुबह मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का, जो कि मैं उठा नहीं। अभी ब्रेकफास्ट करके जस्ट ऊपर आया हूँ और सोचा कि ऐसी व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अभी जैसी रू लाइक मेरा पुल स्टेशन खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको रूम टूर दूंगा, क्योंकि जो रूम सर्विस वाले अपने को रूम की साफ सफाई कर दे तो कैसा ना अच्छा रूम रहेगा, तो आपको भी देखने के लिए अच्छा लगेगा। वैसे रूम सर्विस दे दूंगा, रूम के बारे में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और यहाँ के जो भी है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप ये मत समझना मेरे को स्पॉन्सर्ड वीडियो मिला या फिर कुछ अभी। और उसके बाद का प्लान कुछ अभी तक फिक्स नहीं है, क्योंकि लाइक ये सब एक साथ करना था तो फिक्स नहीं है। पर तो भी हम लोगों ने सोचा कि गोवा का टूर करें, लाइक वो बाइक रेंट में मिलते हैं वो लेकर गोवा का टूर करें। तो अगर सक्सेसफुल होता है तो करेंगे, वरना चलो अभी फिलहाल फुल सेशन एंजॉय। I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, वैसे ही हमारा होटल रूम है, लाइक ओयो से बुक किया था मेरी बड़ी बहन ने। मेरा सजेशन यही रहेगा था कि अगर आप ओयो से बुक करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा इस पर। लाइक अगर आप ऑन द स्पॉट इधर आके बुक करते हो तो आपको जरूर महंगा पड़ेगा, और ओयो से बुक करने का काफी फायदा है। अगर आप मेरा नाम लेकर आते हो कि राहुल तिवारी के ब्लॉग्स में देखा, तो आपको डिस्काउंट तो नहीं बोल सकता, ऑलरेडी आप होशियार बन ही गए हो, ओयो से बुक करके आओगे। पर अगर मेरा नाम यूज़ करके आप इस होटल को एक्सेस करते हो तो फिर उस हिसाब से आपको सर्विसेज बेटर मिलेंगे, इतना वादा है मेरा। मैंने लाइक जो मैनेजर है उनसे बात कर ली तो चलो अगर अच्छा लगे तो। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे अच्छी लगी, मेरे मन को तो मैंने बनाया, अलीबाग के टाइम भी मैंने किया था, तो बस उसी तरह कर रहा with every word coming I would rather die than be someone who's nothing I'm the type of dude who will not remain nameless I'm the type of dude who is headed for greatness I'm the type of dude who could really make changes अभी मैं आ गया हूँ अंजुना बीच पे। लाइक अंजुना बीच आने के लिए आपको लाइक अगर आप कैलंगट में रहते हो तो अंजुना बीच आपको आना है तो लाइक आपको एक हायर करना पड़ेगा, एक एक्टिवा या फिर स्कूटी या फिर कुछ भी बाइक जो आपको पसंद है वो हायर करके आप किधर भी घूम सकते हो ऑल गोवा। लाइक कैलंगट बीच हो गया और ये वैगेटर हो गया, जो जो बीच या फिर जो फोर्ट आपको चाहिए वहाँ पर आप घूम सकते हो अगर आप लाइक बाइक हायर करते हो। आपको उसके लिए एक 300 से स्टार्ट होता है, 300-400, हम लोग ने 400 पे किया एक्टिवा के लिए, 400 से रेंजेस स्टार्ट होते हैं। और अगर आपको बाइक या फिर एवेंजर बुलेट हो गया या फिर KTM वगैरह चाहिए तो आपको एक 500 के ऊपर का रेंज और पेट्रोल आपका। Of my mouth, every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having dreams that you're chasing. You don't wanna fuck with me now. I'll leave your ass in the street now. I'll put your ass underneath ground. I'll bury you 6 feet deep now, and you better stay down. अभी अंजुना बीच से हम लोग आ गए, अभी जाएंगे वैगेटर बीच को, तो सोचा कि एक आइसक्रीम होल्ड हो जाए। Who could really make changes, 'cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, 'cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. ज़्यादा हाइट और रिस्क नहीं था, पर तो भी इट वॉज डिफिकल्ट टू क्लाइम ओवर हियर। लाइक नाउ इट्स टाइम टू क्लाइम बैक एंड एक्सप्लोर मोर प्लेसेस और टू गो होम विद टू माई फैमिली एंड टेक सम लंच एंड देन एक्सप्लोर मोर। ओके, नाउ आई एम एट चपोरा फोर्ट। लाइक चपोरा फोर्ट का खासियत मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ से चारों तरफ सिर्फ ओशन और ओशन ही लग रहा दिखता है। और चपोरा फोर्ट के क्लाइंबिंग पे हर एक
क्लाइंबिंग के लिए हर एक टर्न पे कुछ ना कुछ खाने के लिए पीने के लिए है, तो वो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर डस्टबिन्स भी है कई, ज़्यादा सब जगह नहीं है वो एग्जैक्टली, लाइक मेरे पीछे भी आप देख सकते हो खाने के पीने के लिए और इधर भी। तो इस प्रकार चपोरा फोर्ट पे काफ़ी मस्त इंतज़ाम है, पर चपोरा फोर्ट क्लाइंब करने के लिए अलग टाइप। Of the hate, see, I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making, never had a doubt of the fight I'll be facing, never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having dreams. You don't wanna fuck with me now, I'll leave your ass in the ground, I'll bury you 6 feet deep now, and you better stay down. The hell out of my way now, it doesn't matter what you say now, I'm gonna take hold of fate now. I'm the type of dude who will not remain nameless, I'm the type of dude who is headed for greatness, I'm the type of dude who could really make changes, cause I'm the type of dude that's becoming contagious, I'm the type of dude that will always be ageless, I'm the type. अभी हम लोग चपोरा फोर्ट से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे थे और रास्ते में भूख लगी थी, सो रेस्टोरेंट ढूंढ ही रहे थे कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर में हम लोग सोचे दर्शन लेके जाते, पर मंदिर में महाप्रसाद था। हर मंडे टू मंडे सिद्धेश्वर मंदिर ही है, सिद्धेश्वर मंदिर गोवा का, लाइक इसमें मंडे टू मंडे महाप्रसाद होता, तो आज भी था, तो हम लोगों ने खा लिया। अच्छा है, भगवान का प्रसाद खा के पेट भर भी लिया। और अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे जो कि होगा अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे क्लीनेस्ट बीच होगा शायद, इधर कोई आता ही नहीं। मैंने लाइक लोगों से सुना था इस बीच का नाम, बीच का नाम है मडरीमा। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई है ही नहीं फिशिंग के लिए, जो इधर के रहवासी रहेंगे वही आए फिशिंग के लिए। और ख़ास बात तो वाइट सैंड है और कोई कुछ थोड़ा भी कचरा नहीं है, ना कोई लोग है। शाम के 4:30 बजे तो भी कोई लोग नहीं। बस इधर इसको ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लगेगी, और एक बोल सकते हैं अननोन बीच होगा, बीचेस में से एक ही है। किलोमीटर का मडरीमा से लेके चैलेंज करती, यानी कि हमारे होटल तक का जो राइड था 24-25 किलोमीटर का, वो हम लोग ने एक 35-37 मिनट्स में कंप्लीट किया, जो कि अभी तक का फास्टेस्ट बोल सकते हैं। जो कवर किया उसमें हम लोग को काफ़ी टाइम लगे, कवर करते हम लोग काफ़ी स्पीड करते हैं, इस गूगल मैप के थ्रू हम लोग फटाफट निकल गए, और लाइक 60-80 की स्पीड में ही चला रहा था मैं कंटिन्यूसली। तो इस तरह हम लोग 33 मिनट्स में पहुँच गए। अभी मैं घर पर फ्रेश हुआ, तो सोचा कि घर पर रुक के आराम करूँगा, तो सो गया, तो फिर सो जाऊँगा, फिर से अच्छा स्विमिंग पूल या फिर बीच पे जाते, तो चलो चलते देखते गोवा के अच्छे दिन खत्म हो गए। अगर आपको गोवा के शॉपिंग करना है तो फिर आपको पैसे ज़्यादा कैरी करने पड़ेंगे। और रही बात खाने पीने की, तो खाना पीना भी यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली, और घूमना वगैरह तो है ही नॉर्मल। ट्रैवलिंग का जो चार्जेस है वो जहाँ पर जितना है उतने हिसाब से बड़ा गोवा का बराबर है, तो उस हिसाब से आपको गोवा अच्छी बात अच्छी अच्छा रहेगा। आज के लिए मुझे करने के लिए कुछ नहीं, मैं तैयार हो गया हूँ एक्चुअली, अभी निकलने वाले हम लोग। आते समय प्लेन से और जाते समय ट्रेन से ये कॉम्बिनेशन अलग है, पर ये कॉम्बिनेशन का मैंने ही डिमांड किया था मेरी बहन और मेरे डैड से, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस करना था, ट्रेन का भी और प्लेन का भी। सो अभी
पिछले आधे घंटे से कोलाड़ पे ही हमारी ट्रेन जो रुकी है, एक हादसा हो गया, लाइक एक डेथ हो गया किसी का, तो वही कारण हमारे ट्रेन यहीं पे रुकी है। तो सोचा कि वीडियो अभी एंड कर लूँ क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो रात को वीडियो एंड करने से अभी आई कर लूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बस इतना ही बोलना। और कमेंट करके बताओ ये जो गोवा का सीरीज था मेरा शायद 2 या 3 ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बता। No, ma'am. Thank you, look.